हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लास्ट लेक्चर कवर करेंगे चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का, ठीक है, जिसका टॉपिक है क्या, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम लीनियन हायरार्की भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसने दी थी? लाइनियस ने दी थी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी बोलते हैं इसे, ठीक है, और इसको लीनियन, ओके, लीनियन हायरार्की भी बोलते हैं। लीनियन हायरार्की क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज गिवन बाय लीनियस, ओके, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हो गए। अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को जो है क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम? ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं एक डेफिनेट सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। उस कैटेगरी के डेफिनेट सीक्वेंस के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। और इसमें क्या होता है, वो क्लासिफिकेशन जो एक असेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक? स्पीसीज से लेके किंगडम तक का असेंडिंग ऑर्डर चलता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गई है हमारे पास टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हो गई, ठीक है, जिसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर चलेगा फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। हम जो है ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे एक डेफिनेट सीक्वेंस में कैटेगरीज की। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ डेफिनेट sequence of categories, in a definite sequence of categories, ठीक है, in ascending order from species to kingdom, ठीक है, in ascending order from species to kingdom। एक बात इसके अंदर और लिखेंगे, क्या the number of similar characters, the number of similar characters decreases from lowest rank to highest rank, ठीक है, from lowest rank to highest rank, ठीक है। अब ये lowest rank और highest rank क्या है? lowest rank का मतलब हो गया species और highest rank का मतलब क्या हो जाएगा? kingdom, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर हो गया स्पीसीज से लेकर किंगडम तक, ठीक है बेटा। ये होगी हमारी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। स्पीसीज सबसे पहले जो बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। और स्पीसीज टर्म किसने दी थी? हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जॉन रे ने दी थी, ठीक है। स्पीसीज के बाद आ गया जीनस, यानी कि जितनी भी रिलेटेड स्पीसीज हैं उन सबको असेंबल करके क्या बनेगा? जीनस बनेगा, ठीक है। फिर जितने भी जीनस हैं उनको क्या करेंगे? रिलेट टुगेदर करेंगे, क्या बनेगी? फैमिली बनेगी। फिर बहुत सारी फैमिलीज को क्या करेंगे? असेंबल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा? ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से डिवीज़न, और डिवीज़न से किंगडम। यहाँ पर मैंने स्लैश लगा के दो लिखे हैं, एक फाइलम और एक डिवीज़न, ठीक है। जो फाइलम है वो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो डिवीज़न है वो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। इतना क्लियर है? और यहाँ पर भी हमें समझ आ गई कि असेंडिंग ऑर्डर रहेगा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड है कि जो सिमिलर करैक्टर हैं वो क्या होते जाएंगे? धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पीसीज होती हैं, जो कि यूनिट है क्लासिफिकेशन की, उसके अंदर होता क्या है बेसिकली? स्पीसीज के अंदर, स्पीसीज में ना जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है इंडिविजुअल्स की, उसके अंदर क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर करैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर करैक्टर होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? एक तो होते हैं बच्चे रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में और एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में. इन दोनों के रिस्पेक्ट में उनके जो फीचर्स होते हैं, जो करैक्टर होते हैं, वो बहुत सिमिलर होते हैं स्पीसीज के. ठीक है, तो वो करैक्टर जो है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारे हाईएस्ट रैंक किंगडम की तरफ, तो वो क्या होते रहते हैं, कम होते रहते हैं. क्लियर है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, इसको पॉज करके नोट करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, इसको मैं लिखे रहने देती हूँ यहाँ पर क्योंकि हमें आगे काम आएगी, इसको लिखे रहने देते हैं, इसको हम रब कर देते हैं. इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें मैं आपको इन सभी कैटेगरीज के बारे में क्लियर करती हूँ. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक प्लांट से ले लेते हैं और एक एनिमल से ले लेते हैं. ठीक है बेटा, आइए देखते हैं. जैसे सपोज मैंने एनिमल से तो ले लिया एग्जांपल हमारा ह्यूमंस का. ठीक है, एनिमल से क्या ले लिया एग्जांपल, ह्यूमन का. ठीक है, और प्लांट से एग्जांपल ले लिया मैंने वीट का. ठीक, दोनों से एक एक एग्जांपल लेके हम क्लियर कर लेते हैं हमारी बात को. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जीनस देख लेंगे, स्पीसीज देख लेंगे. ठीक है, जीनस देख लेंगे, सबसे पहले स्पीसीज की बात करते हैं, फिर जीनस देख लेंगे, फिर आ जाएगी इसकी फैमिली, फैमिली के बाद पढ़ेंगे ऑर्डर, ऑर्डर के बाद पढ़ेंगे क्लास, क्लास के बाद पढ़ेंगे इसका फाइलम, क्योंकि एनिमल्स के केस में क्या होता है, फाइलम होता है, फिर पढ़ेंगे किंगडम. ठीक है, सेम ऑर्डर इसमें चलेगा, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, यहाँ पर क्या आ जाएगी, डिवीज़न आ जाएगी और फिर किंगडम आ जाएगा. ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा. अब ह्यूमन का नेम हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में बताया था क्या होता है, होमो सैपियंस होता है. ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीनस क्या हो गया, होमो हो गया. ठीक है, और स्पीसीज क्या होगी इसकी, सैपियंस होगी, और सेपरेटली अंडरलाइन भी कर दिया. ठीक है, फैमिली को किसको, कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये होमिनिडी फैमिली को बिलोंग करते हैं. ठीक है, ऑर्डर कौन सा है इसका, प्राइमेटा ऑर्डर के हैं ये. ठीक है, ऑर्डर क्या है इसका, प्राइमेटा. क्लास क्या है इनकी, मैमेलिया. वेरी गुड, क्लास क्या है इनकी, मैमेलिया. और फाइलम क्या है, कॉर्डेटा. और किंगडम तो हमें पता ही है, एनिमेलिया. किंगडम क्या है, एनिमेलिया. ओके, ठीक है, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे ऊपर फिर दोबारा से. ऐसे ही इसकी बात करते हैं वीट की, तो वीट की स्पीसीज क्या है, जीनस और स्पीसीज, इसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम. क्या नाम होता है इसका, ट्रिटिकम एस्टिवम, और सेपरेटली अंडरलाइन. ठीक है, फैमिली किसकी क्या होगी, पोएसी. फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स. ठीक है, क्लास कौन सी होगी इसकी, बच्चे बताएंगे, मोनोकोटिलेडन. ठीक है, क्लास क्या होगी इसकी, मोनोकोटिलेडन. डिवीजन क्या होगी, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. और किंगडम क्या हो गया, प्लांटी. किंगडम क्या हो गया, प्लांटी हो गया. ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ये होगी क्लास, ये हो गया डिवीजन, और ये हो गया फाइलम. ठीक है, क्लास, डिवीजन, फाइलम. और ऐसे ही इसमें ये स्पीसीज थी. ठीक है, ये जीनस, ये फैमिली, ये ऑर्डर, ये क्लास, ये फाइलम, और ये किंगडम. ठीक है, तो इसको देखते हैं, जो ह्यूमन है इसका नाम हो गया होमो सैपियंस. कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं ये, होमिनिडी फैमिली को. ऑर्डर क्या है इनका, प्राइमेटा. क्लास क्या है, मैमेलिया. फाइलम क्या है, कॉर्डेटा. और किंगडम क्या है इसका, एनिमेलिया. ठीक है, ऐसे ही वीट के केस में इसका नाम हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम. प्रोनंसिएशन क्लियर रखनी है. ठीक है, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स. ठीक है, और क्लास कोटिलेडन, प्लूरल है कोटिलेडन. ठीक है, डिवीजन होगी एंजियोस्पर्म में. ठीक है, एंड फाइलम हो गया, सॉरी किंगडम हो गया यहाँ पर हमारा कौन सा, प्लांटी. किंगडम क्या हो गया, प्लांटी हो गया, और वहाँ पर क्या था, एनिमेलिया था. क्लियर है इतनी बात. अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि जो हमारी फैमिली होती है उसके लास्ट में क्या लगता है, ये क्या लगता है फैमिली के लास्ट में, एसी. क्या लगता है, एसी. तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फैमिली के लास्ट में क्या लगता है, मोस्टली
यहाँ पर जनरली की बात हो रही है, कईयों में नहीं भी लगेगा, ठीक है। फैमिली में क्या लगा होता है? एसी। अगर ऐसा लगा हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फैमिली का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? सफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है? सफिक्स। और ऑर्डर में क्या लगा होगा? एल्स लगा होगा। ऑर्डर में क्या लगा होगा बेटा जी? एल्स लगा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑर्डर में एल्स है और फैमिली में एसी है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, नोट हो गया ये भी। अब हमारे पास आएंगी हमारी, एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्पीसीज को तो हमने कर लिया, क्या होती है, क्या होती है स्पीसीज? जिसके अंदर जो एसेंशियल करेक्टर्स हैं, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हो गया, और कौन सा हो गया? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गए। ये क्या रहेंगे? ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। उनको क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। और इसी की वजह से जो स्पीसीज हैं वो क्या फ्रीली इंटरब्रीड कर सकती हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे कि स्पीसीज क्या होती हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग ऑल एसेंशियल सिमिलर करेक्टर्स, हैविंग ऑल एसेंशियल सिमिलर करेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिविटी, ठीक है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे, इनके करेक्टर्स क्या रहेंगे? सिमिलर करेक्टर रहेंगे, ठीक है। ये होती है स्पीसीज। और इसी की वजह से, ठीक है, सो दैट दी स्पीसीज आर, सो दैट दी स्पीसीज आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली, इसीलिए ये फ्रीली इंटरब्रीड कर सकती हैं, ठीक है। और फ्रीली इंटरब्रीड करेंगे तो क्या होगा? एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये तो रहेगी इसकी बात। अब अगर हम सोचें कि एक क्या होता है, कभी कभार हाइब्रिड होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का, ठीक है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का जो हाइब्रिड होता है उसमें क्या होगा? जनरली तो स्टराइल बनेंगे जो ऑफस्प्रिंग है, और कभी कभार क्या होगा? फर्टाइल बनेंगे। उसका भी एक हम एग्जांपल पढ़ेंगे, पहले आप ये इसकी डेफिनेशन स्पीसीज की नोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, कोई पूछ लेना टीचर कि स्पीसीज को डिफाइन करो क्या है, तो वो ऐसे देखते हैं कि अब हम क्या बोलें स्पीसीज को डिफाइन करने के। तो आप सिंपली बोलेंगे कि ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स हैं या जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे, सिमिलर करेक्टर शो करेंगे, ठीक है, और तभी वो इंटरब्रीड कर पाएंगे फ्रीली और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगी। ये होती है स्पीसीज। और बेसिकली अगर हम बताएं तो स्पीसीज जो वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको नोट करेंगे। अब एक चीज और बताएंगे इसके बारे में, स्पीसीज के बारे में, वो क्या है? स्पीसीज के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो हाइब्रिड होते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के, उनकी बात करेंगे, ठीक है। हाइब्रिड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, जनरली प्रोड्यूस, जनरली क्या करेंगी? स्टेराइल, जनरली प्रोड्यूस स्टेराइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है, बट समटाइम्स फर्टाइल ऑल्सो, कभी कभार फर्टाइल भी करती हैं, ठीक है। आइए पहले हम स्टेराइल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टेराइल में हम एक तो म्यूल का एग्जाम्पल लेंगे और दूसरा किसका एग्जाम्पल लेंगे? हीनी का, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? स्टेराइल हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं किस किस के मिक्सचर से, किस किस को मिला के, यानी किस किस का हाइब्रिड बनाएं कि ये दोनों स्टेराइल प्रोड्यूस हों, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे बनते हैं ये। म्यूल बनता है किससे? मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, ठीक है, इन दोनों से क्या मिलकर बनता है हाइब्रिड? म्यूल बनता है जो कि स्टेराइल होता है। और हीनी बनती है फीमेल डोंकी
एंड मेल हॉर्स से, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके बच्चे, म्यूलर हीनी का केस भी समझ में आ गया, ये होगी स्ट्राइल वाली बात। अब इसको नोट करेंगे, फिर हम फर्टाइल के बारे में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्टाइल की। इसमें एक आता है टाइगन और एक आता है लाइगर। ये कैसे बने हैं? टाइगन बना है किससे? फीमेल लॉयन एंड मेल टाइगर से, ठीक है, टाइगन। और लाइगर किससे बना है? लाइगर बना है फीमेल टाइगर एंड मेल लॉयन से, ठीक है। और ये दोनों जो बनते हैं ये क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं। ये दोनों हाइब्रिड्स क्या हैं? फर्टाइल हैं, लाइगर और टाइगन। ये दो एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। तो फॉर एग्जांपल आ गया हमारे पास, एक आ गया म्यूल का, एक आ गया हाइनी का, और एक आ गया टाइगन का, और एक आ गया लाइगर का। तो फर्स्ट टू जो थे म्यूल और सेकेंड हिनी, वो दोनों हो गए स्टराइल हाइब्रिड्स के एग्जाम्पल, और ये दोनों टाइगन और लाइगर हो गए फर्टाइल के एग्जाम्पल, ठीक है। आपने अभी तक टाइगर सुना होगा, लॉयन सुना होगा, ये इनके हाइब्रिड्स हैं टाइगन और लाइगर, क्लियर है। इसको भी नोट करेंगे, क्लियर है बच्चे। अब हम पढ़ेंगे जीनस के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जीनस के बारे में। स्पीसीज क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको अच्छे से, ठीक है। अब हम देखेंगे जीनस। तो जीनस में क्या होता है? जीनस वही हो गया असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। क्या बनाएगा? जीनस बनाएगा। तो लिख लेते हैं इसको भी, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीसीज कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? जीनस, ठीक है, ठीक है। अब जीनस के अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं, मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक, ठीक है। अब मोनोटिपिक का मतलब क्या हो गया? मोनोटिपिक वो है जिसके अंदर एक जीनस की एक ही स्पीसीज होगी, ठीक है। एक जीनस एक ही स्पीसीज होगी, उसको हम कहेंगे मोनोटिपिक टाइप ऑफ जीनस। और ऐसे जीनस जिसमें स्पीसीज बहुत सारी हैं लेकिन जीनस एक ही है, उसको हम बोलते हैं पॉलीटिपिक, ठीक है। इसमें क्या होगा? जीनस हैज ओनली वन स्पीसीज, ठीक है। और इसमें क्या होगा? वन जीनस हैज टू और मोर स्पीसीज, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। अब इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल हो गया किसका? मैंगीफेरा इंडिका। तो एक जीनस एक स्पीसीज मैंगीफेरा इंडिका, क्लियर है। अब पॉलीटिपिक का एग्जाम्पल देखेंगे, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोनजीना, ठीक है, सोलेनम नाइगर, इस तरीके से। ऐसे ही एनिमल्स के केस में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? पेंथेरा लियो, पेंथेरा टाइग्रिस, पेंथेरा पार्डस, ठीक है। आइए लिखते हैं इन एग्जाम्पल्स को, इसको नोट करेंगे। तो किसका एग्जाम्पल बोला मैंने? मोनोटिपिक का, मैंगीफेरा इंडिका, एक जीनस की एक ही स्पीसीज होगी, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? ये मैंगो का, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका? पॉलीटिपिक का, किसमें? पोटैटो के केस में, ठीक है। पोटैटो का नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम, क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम किसका नेम है बेटा? पोटैटो का बॉटनिकल नेम है, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम। और जीनस सेम रहेगा सोलेनम ही, लेकिन स्पीसीज अलग हो जाएगी मेलोनजीना, ठीक है, स्पीसीज अलग होगी मेलोनजीना। ये किसका नाम हो गया? ब्रिंजल का। तो ये पॉलीटिपिक टाइप हो गया कि एक ही जीनस की दो स्पीसीज आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम इसको नोट करेंगे, फिर एनिमल का पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल, ठीक है। एनिमल में एग्जाम्पल देखेंगे हम जीनस पेंथेरा को लेकर, ठीक है, पेंथेरा जीनस का एग्जाम्पल लेंगे पॉलीटिपिक में, पेंथेरा लियो, ठीक है। फिर आ गया पेंथेरा
टाइग्रिस, फिर आ गया पेंथेरा पार्डस, ठीक है, ये तीनों पॉलीटिपिक के एग्जाम्पल हैं, पेंथेरा लियो, पेंथेरा टाइग्रिस एंड पेंथेरा पार्डस। तो पेंथेरा लियो किसका नेम होता है? लॉयन का। पेंथेरा टाइग्रिस किसका होता है? टाइगर का जूलॉजिकल नेम। और पेंथेरा पार्डस किसका होता है? लियोपर्ड का। ठीक है बेटे, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसको भी नोट करेंगे, फिर हम आगे अपनी कौन सी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट फैमिली, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी डिस्कस करेंगे, फैमिली, इसको नोट करेंगे। तो आपने जीनस के एग्जाम्पल जो है वो नोट कर लिए, ठीक है, मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक के। अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है फैमिली। फैमिली क्या होती है? ठीक है, फैमिली होती है कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनेरा, जिनके अंदर एक और दो जेनेरा जो है वो एक ही फैमिली में आ जाएंगे, वो होती है फैमिली। ठीक है, हम पढ़ ही रहे थे कि इन सबकी असेंबलेज जो है स्टेप बाय स्टेप चलती जाएगी, ऐसे काफ़ी सारी स्पीसीज को असेंबल करके जीनस बनता है, जीनस को असेंबल करके फैमिली। तो वही चीज़ आ गई यहाँ पर, ही कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनेरा, ठीक है, फैमिली के अंदर। अब इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि कैट का जीनस क्या है, फैलिस है, और हमें पता है कि जो हमारा लेपर्ड है उसका जीनस क्या है, पेंथेरा है, अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा भी है, ठीक है, पेंथेरा पार्डस। ठीक है, अब ये दोनों जो है कौन सी फैमिली में आएंगी, फैलिडी में आएंगी, यानी कि फैमिली एक लेकिन जीनस उसके अंदर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब एक फैमिली जो है वो दूसरी फैमिली के मेंबर से क्या करेगी, डिफर करेगी। जैसे जो फैलिडी फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे किससे, कैनिडी फैमिली के मेंबर से। कौन सी फैमिली के मेंबर से, कैनिडी। अब ये कैनिडी फैमिली किसकी होगी, कैनिडी फैमिली होगी डॉग्स की, ठीक है, इसके मेंबर्स हो जाएंगे डॉग्स, फॉक्सेस और वॉल्व्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए कैनेडी फैमिली के मेंबर्स। तो ये क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे फैमिली फैलिडी से, यानी कि फैमिलीज आपस में एक दूसरे से करेक्टर्स डिस्टिंक्ट शो करेंगी। क्लियर है? ठीक है, इसको भी नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट अपना पढ़ेंगे ऑर्डर के बारे में। नोट कीजिए इसको, ठीक है। तो आपने फैमिली नोट कर लिया, अब हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऑर्डर की। ठीक है, ऑर्डर में क्या होगा बच्चे, ऑर्डर के अंदर इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। वही चीज़ आ गई, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब फैमिलीज को क्या करेंगे, किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ऑर्डर के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे कि एक ही ऑर्डर के अंदर दो या दो से ज़्यादा फैमिलीज आ जाएंगी, जैसे क्या हो रहे थे, दो या दो से ज़्यादा जीनस आ रहे थे एक ही फैमिली के अंदर। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट पढ़ा फैमिली फैलिडी और कैनिडी के बारे में, इसके अंदर क्या आ जाती हैं, कैट्स लेपर्ड, और कैनिडी के अंदर डॉग्स फॉक्सेस वॉल्स। तो इन दोनों फैमिलीज़ को किस ऑर्डर के अंडर रखते हैं, कार्निवोरा, यानी ऑर्डर क्या है सेम है लेकिन फैमिलीज क्या है अंदर अलग अलग हैं। तो डेफिनेशन क्लियर होगी, इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज, एग्जांपल हो गया फैमिली फैलिडी एंड कैनिडी, बोथ आर इंक्लूडेड अंडर ऑर्डर कार्निवोरा। इसी तरीके से हम एक प्लांट्स का एग्जांपल लेते हैं, जो हमारी फैमिली है सोलेनेसी, ठीक है, फैमिली सोलेनेसी एंड कौन सी फैमिली, हाइड्रोफिलिएसी, ठीक है, हाइड्रोफिलिएसी, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली और हाइड्रोफिलिएसी फैमिली, ये दोनों फैमिलीज कौन से ऑर्डर के अंडर आएंगी, पॉलीमोनियल्स के अंडर आएंगी। ठीक है, अंडर ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, एल्स आ गया ना, ठीक है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर के अंडर आ जाएंगी ये दोनों फैमिलीज। ये प्लांट का एग्जांपल हो गया, ये हो गया एनिमल से एग्जांपल, तो इसको भी नोट करेंगे। इसके बाद हम हमारी तीन कैटेगरीज और रह जाएंगी, क्लास, डिवीजन, फाइलम और किंगडम, उसको डिस्कस करेंगे, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो आपने ऑर्डर नोट कर लिया, हमारे पास नेक्स्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी है क्लास। क्लास क्या होती है, मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। तो दो या दो से ज़्यादा ऑर्डर्स अलग अलग वो किसके अंडर आएंगे, एक ही क्लास के अंडर आएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्लास मैमेलिया का, ठीक है, जो मैमेलिया क्लास है उसके अंदर एनिमल्स जो हैं जितने भी वो अलग अलग ऑर्डर से हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया है कंगारू का, कंगारू जो है वो किस ऑर्डर के अंडर आता है, मार्सुपीलिया ऑर्डर के अंडर आते हैं कंगारूज। एप्स और मैन कौन से ऑर्डर के अंडर आते हैं, प्रीमेटा। और हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में जब एग्जांपल पढ़ा था ह्यूमन का, तो उसमें होमो सेपियंस हमने जीनस और स्पीसीज पढ़ी थी, फैमिली क्या पढ़ी थी, होमिनिडी पढ़ी थी, और ऑर्डर क्या पढ़ा था वहाँ पर हमने,
प्राइमेटा ऑर्डर पड़ा था, क्लास मेमेलिया पड़ी थी, ठीक है। तो एप्स एंड मैन ऑर्डर प्राइमेटा, और रोडेंट्स जो हैं वो किस ऑर्डर से हो गए, रोडेंशिया ऑर्डर से हो गए। रोडेंट्स क्या होते हैं बेटा जी, रोडेंट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर सिंगल पेयर कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सिंगल पेयर कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग इंसीजर प्रेजेंट होते हैं इन ईच ऑफ दी अपर एंड लोअर जॉ, इनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है रोडेंट्स का। और मैमल्स में अगर हम बात करें तो 40% जो है वो ऐसे हैं जो रोडेंट्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, क्लास को नोट कीजिए, फिर हमारे पास नेक्स्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी बच जाएगी, डिवीजन, फाइलम और किंगडम। ठीक है बेटा, तो आपने क्लास के बारे में नोट कर लिया, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास कैटेगरी आइदर फाइलम और डिवीजन, ठीक है। तो जो डिवीजन टर्म है वो हम किसके लिए यूज़ करेंगे, प्लांट्स के लिए यूज़ करेंगे, और जो फाइलम टर्म है वो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिवीजन और फाइलम जो है कैटेगरीज हैं हायर देन दैट ऑफ क्लास, यानी इनके अंदर रिलेटेड क्लासेज होंगी टू और मोर। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें एग्जाम्पल आता है डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा का। एक बात और याद रखना, जहाँ पर ये पीछे फाइटा लग जाएगा इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन की बात हो रही है प्लांट की, ठीक है। तो फाइटा स्पर्मेटोफाइटा प्लांट की डिवीजन है, इसके अंदर क्या आ जाएंगी, 7 क्लासेस जिम्नोस्पर्म्स की और 2 क्लासेस एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स की कौन सी 2 क्लासेस होगी बेटा, मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन, ठीक है, मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन, ठीक है, ये दो होगी। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में क्या टर्म यूज़ करते हैं, फाइलम टर्म यूज़ करते हैं। इसके अंदर कौन सा फाइलम हो जाएगा, कोर्डेटा। कोर्डेटा फाइलम के अंडर क्लासेस खाली मैमेलिया ही नहीं आएंगी, जिनकी अभी हमने पीछे एग्जांपल किए हैं क्लास कैटेगरी को डिस्कस करते टाइम, ठीक है। कंगारू पढ़े थे हमने उसके अंदर, एप्स और मैन पढ़े थे, रोडेंट्स पढ़े थे, लेकिन इसके अंदर एव्स की क्लास भी आती है। एव्स के अंदर आते हैं बर्ड्स, ठीक है, रेप्टीलिया क्लास भी आती है जिसके अंदर रेप्टाइल्स आते हैं लाइक क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स वगैरह, एंड क्लास आती है एम्फीबिया जिसके अंदर एम्फीबियंस आते हैं, यानी कि एम्फीबियंस जो वाटर बॉडी और टेरेस्ट्रियल बॉडी दोनों पे क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम छोटे होते से पढ़ते हुए आए हैं, फ्रॉग, ठीक है बेटे। तो आप इसको नोट कीजिए, और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा किंगडम, ठीक है, किंगडम टैक्सोनॉमी कैटेगरी बच जाएगी लास्ट, इसको आप नोट करेंगे। तो हमारे पास लास्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी आई हमारी कौन सी बेटा, किंगडम, ठीक है। किंगडम क्या है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी है, हमने पढ़ा था कि इट इज़ द लोएस्ट रैंक एंड इट इज़ द हाईएस्ट रैंक किंगडम, ठीक है। तो किंगडम के अंदर 2 किंगडम्स हो गए, प्लांटी और एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी में तो प्लांट्स आएंगे, और किंगडम एनिमेलिया में कौन आएंगे, एनिमल्स आएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि जो हमारी 7 कैटेगरीज हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम, जो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनको हम ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं बेटे, दीज आर नोन एज ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ठीक है, विच आर 7 इन नंबर। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, नंबर ध्यान रखना इनका 7 है। सीरीज ध्यान रखनी है इनकी, अगर असेंडिंग ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर आप लिख रहे हैं अपनी आंसर की में तो आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ आएंगे, क्लियर है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑब्लिगेट कैटेगरीज विच आर 7 इन नंबर, दीज आर ऑल्सो नोन एज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, एक सीडी है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज लीनियन हायरार्की बिकॉज गिवन बाय लीनियस, ठीक। तो ये सब आज हमारा लिविंग वर्ल्ड बेटा जी कंप्लीट हो गया है, आप अपने प्रॉपर नोट्स इस चैप्टर के तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगली क्लास में हम आएंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पर आपको पता लगेगा कि सिर्फ 2 किंगडम ही नहीं हैं और भी किंगडम हैं, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, आपको आगे वाले लेक्चर्स में आने के लिए और भी अच्छे से मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और आपने अब तक सबने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है बेटा जी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपके पास सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और आप अपने लेक्चर प्रिपेयर करते रहें। ऑल द बेस्ट।